आज तुम लोग को मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम लग रही होगी। मैंने आज तक कभी ऐसा ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है एंड देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। मतलब 2-3 दिन से मेरे को सही नहीं लग रहा है। दी बॉयज़ लॉकर रूम जो पूरे सोशल मीडिया पे पागलों जैसा चल रहा है, ठीक है। अब मैं सच्ची में को इस चीज़ के बारे में बात करने का उतना मन नहीं था, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी that you know we raise a voice and we support them and we help also you know empathize and we help them get justice. But मैंने बहुत ज़्यादा चेक किया, मैंने सब स्क्रीनशॉट्स चेक किए, मैंने ऑलमोस्ट लोगों के उनके रिव्यूज़ पढ़े कि उनकी क्या सोच है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग से रिएक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत देखा, ठीक है। अब जो मेरे को उस चीज़ में मैंने एक चीज़ नोटिस की जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम सब यार बाई प्रोडक्ट के पीछे फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन दी प्रोसेस। अब मेरे को पता है कि तुम्हें ये लाइन सब कुछ नहीं समझ में आ रही। लेट मी गिव यू नो वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। सी आज अगर मैं जिस चीज़ में बात कर रहा हूँ या मैं जिस वे में रिएक्ट करता हूँ या जिस वे में मैं एक्ट करता हूँ किसी भी चीज़ पे या किसी भी इंसान पे, दैट इज़ बिकॉज द वे माई अपब्रिंगिंग इज़ बीन डन, दैट इज़ बिकॉज द वे यू नो I was taught in my education system, or that is because of the people I live with, or that is because of the environment I live in, right? अब see ये जो वो बच्चे उस चीज़ में act कर रहे हैं, उस way में behave कर रहे हैं, it is because of their upbringing, their education system, या वो जिन लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, क्योंकि you are an average of 5 people you live with, right? अभी जो वो बच्चा जिस way में react कर रहा है, जैसे मैंने बताया, वो उसकी upbringing की वजह से है, राइट तो अब वो दैट इज़ दी बाई प्रोडक्ट। अब जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई और जिस वे में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग वॉज ए प्रोसेस, जिस वे में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ माई बाई प्रोडक्ट, राइट। हम सब उस लड़के और उस पूरे इंसिडेंट के बाई प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ नेसेसरी, आई एक्सेप्ट। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गलत चीज़ के बारे में आवाज़ उठाएं, हम जो मतलब उन लोगों को जस्टिस दिलाने में मदद करें और उनको मिलेगी जस्टिस, ये मेरा मतलब मेरे को सच्ची में लगता है। बट उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस प्रोसेस पे भी फोकस करें। सी टेक इट ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल लेवल, ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। इंडिया में रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडिया में साइबर बुलिंग, क्राइम बुलिंग बहुत ज़्यादा होता है, राइट। क्या वो स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? जब इतने लोगों को फांसी लगी है, इतने लोग जेल में चले गए, सब कुछ हो गया, तो भी ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी आर ऑल फोकसिंग ऑन द बाय प्रोडक्ट, राइट। कैन वी फोकस ऑन द यू नो द प्रोसेस कि यार अपब्रिंगिंग में कैसा एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में वो कैसा एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, या फिर हम वो एनवायरमेंट में एक पॉजिटिव यू नो वाइब कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक इस चीज़ के लिए स्टॉप ही नहीं है। तुम कितने लोगों को फांसी दोगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे, दिस इज़ नॉट गोना एंड अनटिल एंड अनलेस लोगों के वो दिमाग में वैसे थॉट्स आना स्टॉप नहीं होते। और वो तभी सी आपका थॉट प्रोसेस वैसे ही काम करता है जैसे आप जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ें जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, राइट। मेरे थॉट प्रोसेस में तो कभी ऐसा नहीं आता, मेरे दोस्तों के थॉट प्रोसेस में कभी ऐसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उस एनवायरमेंट में नहीं रहते, हम वैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग उस वे में नहीं हुई है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक बच्चे की जो अपब्रिंगिंग हो रही है, उसका एजुकेशन सिस्टम, वो क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, किन लोगों के साथ रोट रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रोसेस एक पॉजिटिव वे में जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो उस बच्चे का जो बाय प्रोडक्ट है वो अच्छा निकलेगा। आई वुड नेवर एक्ट इन सच ए वे बिकॉज मेरा बाय प्रोडक्ट वो नहीं है। अब मैं तुमको एक और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। सी इंडिया में बहुत सारे रेप्स होते हैं और उनमें ऐसे बहुत सारे हैं क्राइम इंडिया में जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते, जो पुलिस के नज़र में कभी आते ही नहीं, क्योंकि वो लोग जाके उस चीज़ के बारे में कंप्लेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये विलेजेस में अगर बहुत होता है, क्यों नहीं करते? बिकॉज उनको ऐसा रहता है कि यार नाम ख़राब हो जाएगा, लड़की का करियर बर्बाद हो जाएगा, ये वाह फलाना ढिलगाना बहुत कुछ चलता है, राइट। अब वो वैसे रिएक्ट क्यों करते? अब वो बच्ची तो चाहती है ना कि उसको जस्टिस मिले, लेकिन वो छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट उसको उस वे में एक्ट करता है कि तू गलत करेगी अगर तू यू गो फाइल ए केस। तो उसने उस वे में एक्ट इसीलिए किया क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट में यही देखा, राइट। अभी जो जिस लड़की के साथ अभी ये हो रहा है, जिसके बारे में बात चल रही है, सब कुछ ना, अब उसने उस चीज़ के बारे में एक्ट किया पब्लिकली। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी था, उसकी अपब्रिंगिंग में उसको ये सिखाया गया था कि तुमको गलत
चीज़ों के बारे में आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अब वो जो गांव में या कहीं पे किसी का रेप हुआ, वाई शी नॉट रेजिंग हर वॉइस, बिकॉज उसके बाई प्रोडक्ट में वो नहीं आ रहा है, बिकॉज उसके आजू बाजू का लोग उसका बोल रहा है कि तू गलत करेगा या फिर डोंट डू दैट, तेरा करियर ख़राब हो जाएगा, फलाना ढिलकाना। मेरा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार ऐसा हो भी कैसे सकता है कि हाउ कैन यू नो समबडी थिंक इन दैट वे, दैट इज़ वेरी बैड ऑन द नेक्स्ट लेवल। अगर तुम ऐसे एनवायरमेंट में हो, अगर तुम वैसे सर्कल में हो, प्लीज़ गेट आउट जितना जल्दी हो सके। प्लीज़ गो मीट अ डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, टॉक टू योर पेरेंट्स, किसी से बात करो, जो तुमको बुरा लग रहा है बात करो, तुमने ऐसा कभी देखा, तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, स्पीक आउट प्लीज़, ओके। एंड लेट्स फोकस ऑन दी प्रोसेस रादर देन फोकसिंग ऑन दी बाई प्रोडक्ट। इट इज़ नेसेसरी दैट वी रेज ए वॉइस अगेंस्ट द बाई प्रोडक्ट, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी दैट वी फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट? एंड दैट्स ऑल गाइज़।